हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरे से फ्लावर बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे बनाने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा चाहिए और एक बॉटल। मैंने बियर की बॉटल ली हुई है, आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, लेकिन बड़ी होनी चाहिए। मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। देखिए, हम अपने एक्सरे में से एक स्ट्रिप कट करेंगे। हमें ऐसी सारी स्ट्रिप कट करनी है। देखिए, इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें एक तो ये ग्रीन बॉलन चाहिए और उस पर हम पम्पम लगाएंगे। उसके लिए हमें कोई भी, आप कितने भी कलर ले सकते हैं, ये बॉलन चाहिए और ग्लू है और हमारे कुछ छोटे ये स्टोन्स हैं जिन्हें हम इसे डेकोरेट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस स्ट्रिप्स को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इधर ऊपर की साइड, देखिए, हम स्ट्रिप को इस तरीके से तैयार करेंगे। पहले हम अपनी स्ट्रिप पे एक ग्लू लगाएंगे और उसके ऊपर इस वॉलन को रखेंगे इस तरीके से, और उसे इस पे ऐसे रैप करेंगे। पूरे को ऐसे ही रैप करते हुए चलना है और हमारी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं हम उनको ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए हमने अपनी इस वॉलन को पूरी स्ट्रिप पे इस तरीके से रैप कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे कट करेंगे। और ग्लू की मदद से इसे यहाँ से चिपकाएंगे। अपनी सभी स्ट्रिप्स को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारी ये स्ट्रिप तैयार हो चुकी है। देखिए, हमने इस तरीके से अपनी सभी स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको पम्पम बनाना बताऊंगी। देखिए, पम्पम बनाने के लिए हम ये प्लेट लेंगे छोटी वाली, और ये हमारी वॉलन है। हम इसे इस तरीके से इस पे रैप करेंगे। हमें इसे इस पे रैप करते हुए चलना है। देखिए, हमने इसे इस पे रैप कर लिया है। अब हम इसे यहां से कट कर देंगे और इसे निकालेंगे। देखिए, अब हम एक धागा रखेंगे नीचे और इसे ऊपर, और यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। हमें ये नॉट टाइट लगानी है। ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब देखिए, हम दूसरी नॉट यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, हमने इस पे ये नॉट लगा ली है। अब हम इसे सीजर की सहायता से यहां से कट करेंगे। इसे ये हमने कट कर लिए हैं। अब हम पम्पम बनाएंगे। पम्पम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे इस तरीके से फैलाना है। देखिए, पम्पम बनाने के लिए हम इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे जिससे कि आसानी से बन जाए। अब हम इसे एक्सार करेंगे। देखिए, हमारे पम्पम बनकर तैयार है। अब हम ऐसे ही और बॉलन से पम्पम बनाएंगे। देखिए, हमने ये
बहुत सारे पम्पम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको फ्लावर बनाना बताएंगे। देखिए, फ्लावर बनाने के लिए हम अपनी स्ट्रिप को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और वॉलन से इसको रैप करना है। अच्छे से अब हम अपनी दूसरी स्ट्रिप लेंगे, उसे यहाँ पे रखेंगे और फिर से अपनी वॉलन को इस पे रैप करेंगे। अब इसे यहां से पकड़ना है और इस तरह इस पे भी रैप करेंगे। और अपनी एक और स्ट्रिप लेंगे, उसे भी इस तरीके से लगाएंगे, इस पे वॉलन को रैप करेंगे। हमें इसी तरीके से सभी स्ट्रिप को रखेंगे और वॉलन को रैप करते हुए चलना है। ये हमने अपनी तीसरी स्ट्रिप रखी। इसे यहां से देखिए, हमने अपनी ये इतनी स्ट्रिप लगाकर तैयार कर ली है। अब हम ऐसे ही पूरे पे ही अपनी स्ट्रिप लगाएंगे। देखिए, हमने अपनी सभी स्ट्रिप्स को इस पे लगा लिया और इसे तैयार कर लिया। देखिए इसका कितना अच्छा लुक आया है। अब हम इसे नीचे से अपने वॉलन को ऐसे ही रैप करेंगे। और पूरे को ऐसे ही रैप कर लेंगे। देखिए, हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर बना है। अब हम इसे वॉलन से, जो हमने पम्पम बनाए थे और कुछ हमारे स्टोन से, उनसे हम इसे डेकोरेट करेंगे। देखिए, हम इस तरीके से इस पे ये पम्पम लगाएंगे। पहले हम ग्लू लगाएंगे। ये ग्लू हमने लगा लिया है। अब हम ये पम्पम लेंगे और पूरे पे ऐसे ही पम्पम लगा लेंगे। देखिए, हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। हमने अपने ये पम्पम इस पे लगाए हैं और ये हमारे स्टोन है जो हमने इस पे लगाए हुए हैं, और ये हमारा फ्लावर है जो ये बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत सुंदर बना है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।